केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयासों से संचालित प्रयास संस्था के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। एटी स्किल हब के माध्यम से 6 महीने का निशुल्क होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी करवाया जाएगा। हालांकि ये कोर्स किसी संस्थान से करवाना हो तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन प्रयास संस्था इसे निःशुल्क करवा रही है। 2 चरणों में ये प्रशिक्षण युवाओं को प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रेडिसन होटल ग्रुप्स द्वारा इन्हें रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय में आज 15 सदस्यीय छात्रों के दल ने प्रयास संस्था के पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त से मुलाकात की। छात्रों के पहले दल को उपायुक्त हमीरपुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री अभयवीर सिंह लवली भी मौजूद रहे। छात्र विशाल ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रयास संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनको होटल मैनेजमेंट की निशुल्क ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें जॉब भी प्राप्त होगी। मेरा नाम विशाल ठाकुर है और मैं HM होटल ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ प्रयास के थ्रू, प्रयास संस्था के थ्रू, अनुराग जी के थ्रू। ये ट्रेनिंग हमें बिल्कुल मुफ्त की दी जा रही है। 6 महीने की ट्रेनिंग है, इसमें हमें 6 महीने के बाद हमें नौकरी दी जाएगी रेडिसन 5-स्टार होटल में। बिल्कुल मैं अनुराग जी का और प्रयास संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया फ्री में ट्रेनिंग करने का। बस सर, प्रयास संस्था के कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार ने बताया कि केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के माध्यम से ये सुविधा युवाओं को निशुल्क प्रदान की जा रही है। 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। प्रयास के माध्यम से एटी स्किल हब द्वारा होटल मैनेजमेंट का एक 6 महीने का कोर्स आयोजित किया जा रहा है और ये 30 बच्चों को 2 चरणों में दिया जाएगा और ये पूर्णतः फ्री होगा। इसके लिए सब प्रकार के प्रबंध जो हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा किए गए हैं और मैं उनका प्रयास की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जबकि बेरोजगारी का ऐसा दौर कोरोना की वजह से चला हुआ है, उसके बावजूद भी उन्होंने ये अवसर इन बच्चों को प्रदान किया और 6 महीने के बाद रेडिसन होटल ग्रुप जो है वो इन बच्चों को अपने पास ही जॉब उपलब्ध करवाएगा। प्राइवेट क्षेत्र में यदि इन्होंने ये कोर्स करना होता तो इसका खर्चा लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आना था, जबकि इनसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। इनके रहने का, खाने का, सब प्रकार के प्रबंध जो है वो मुफ्त में उपलब्ध करवाए गए हैं। इस मौके पर उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने कहा कि केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रयास संस्था ने युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संसदीय क्षेत्र में चलाए हुए हैं। इसी के तहत धर्मशाला के 5-स्टारा होटल में 15 छात्रों के पहले दल को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और प्रयास की इस पहल से युवाओं को घर द्वार पर रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि बेरोजगारी की मार युवा झेल रहे हैं, ऐसे में प्रयास संस्था युवाओं के लिए आशा की किरण बनकर आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों रुपए का कोर्स निशुल्क करवाया जा रहा है। 6 महीने का होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद जॉब मिलने या नहीं, इसकी चिंता इन्हें नहीं है, क्योंकि रेडिसन ग्रुप द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी भी प्रदान की जाएगी। जी, आपने अभी देखा कि एक बैच बच्चों की जो है उनको अभी अभी हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। ये एक इनिशिएटिव है प्रयास संस्था द्वारा और इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, जो हमारे यहाँ पे हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के माननीय सांसद भी हैं, उनके इनिशिएटिव द्वारा ये पहल की गई है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यंगस्टर्स की ट्रेनिंग करवा के उनके स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा जो है वो बढ़ा के उनकी इस तरह की हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में एम्प्लॉयबिलिटी, उनकी रोजगारिता के अवसर जो है उनको बढ़ाया जाएगा। तो इसी कड़ी में धर्मशाला में रेडिसन ब्लू जो एक 5-स्टार होटल चेन है हमारे बहुत प्रसिद्ध है देश विदेश में, उसके साथ CSR के अंतर्गत टाइप किया गया है और पहला जो बैच है बच्चों का वो आज रवाना हो रहा है और उनकी सॉफ्ट स्किल्स में, हॉस्पिटैलिटी में, सर्विंग, हाउसकीपिंग इत्यादि अलग अलग एरियाज में जो है उनके कोर्सेज और उनकी ट्रेनिंग की जाएगी ताकि ये बहुत आसानी से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में जाके अपनी अच्छी जो है नौकरियों का प्रॉस्पेक्ट जो है जल्द से जल्द ढूंढ सके। तो यहाँ पे हमीरपुर के एरिया में किया गया है और
जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा उत्साह है कि इस तरह की स्किल डेवलपमेंट की इनिशिएटिव में वो हिस्सा ले पा रहे हैं। और इसके लिए हम माननीय मंत्री महोदय का और प्रयास संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन्होंने इस पहल को करने के लिए। और भी आने वाले जो इनिशिएटिव्स हैं उसके लिए भी मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह से जो है बढ़ चढ़ के हमीरपुर के जो यंगस्टर्स हैं वो भाग जरूर लेंगे।